एंड वेलकम टू माई चैनल लर्न विद किरू। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सेबी है उसने इंडिया में कौन कौन सी कमिटीज़ दी हैं और जो भी क्लोज है 49 फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस के उनके बारे में। ठीक है, मतलब जो हमारा सेबी था वो इंडिया में अलग अलग कमिटीज़ को लेके आया था और उनकी रिकमेंडेशंस के बारे में कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। हमें पता है कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब वही है कि कंपनी वगैरह को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, मतलब एक ऐसी गवर्नेंस हो जिससे जो भी हमारे शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं, उन सभी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, स्कैम स्कैंडल्स वगैरह रिड्यूस हो। तो देखो अलग अलग कमेटीज़ में हमारी पहली कमेटी है कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999। इसके नाम से ही क्लियर है कि जो ये कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, के एम बिरला। और ये 1999 में आई थी। जो सेबी है 1999 में उसने एक कमेटी सेटअप की थी किसके अंडर, मंगलम बिरला के अंतर्गत। क्यों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोमोट करना, राइज करना जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी हमारी कंपनीज कॉरपोरेट गवर्नेंस वगैरह है उनका। ठीक है, ये जो रिपोर्ट दी गई थी ना इस कमेटी के द्वारा वो पहली फॉर्मल और कंप्रीहेंसिव अटेम्प्ट था कोड ऑफ गवर्नेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, मतलब इससे पहले ऐसी कोई भी रिपोर्ट वगैरह नहीं दी गई थी, ये पहला ही ऐसा अटैम्प्ट था इंडियन कंपनीज में। ठीक है, जो कमेटी थी उसने क्या क्या रेफरेंस थे, एक तो ड्राफ्ट एक कोड ऑफ कॉरपोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब एक तो ना कोड ऑफ कॉरपोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस का ड्राफ्ट तैयार करना, सजेस्ट करना, सेफ गार्ड करना जो भी इंस्टीट्यूट किया गया है विद इन द कंपनीज, डील करना इनसाइडर इंफॉर्मेशन से, इनसाइडर ट्रेडिंग से, सजेस्ट करना सुटेबल अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी लिस्टेड एग्रीमेंट वगैरह एग्जीक्यूट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में विद द कंपनीज, और कोई भी अदर मेजर जो भाई लिए जाएँ टू इम्प्रूव करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को कंपनीज में, और कोई भी, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह कॉरपोरेट लिस्ट मतलब गवर्नेंस में लिस्टेड कंपनीज वगैरह के लिए, तो इन सभी पर ध्यान दिया। मटेरियल वगैरह इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मैनर्स वगैरह को लेके चलना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था इस कमेटी का कि हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखना है। ठीक है, फ्रॉम द प्रेस किसके प्रस्पेक्टिव से, इन्वेस्टर शेयर होल्डर वगैरह के, और एक कोड ऑफ शूट बनाना है ताकि जो भी हमारे शेयर होल्डर वगैरह हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट वगैरह रहे। ठीक है, इसमें कौन से क्लेमेंट्स आते हैं, लाइक मतलब कौन से पार्टिसिपेंट मानते हैं एक टाइप से गए, तो शेयर होल्डर हैं, अदर स्टेक होल्डर लाइक है सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर, बैंकर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, सोसाइटी, मतलब इनका इंटरेस्ट ही ध्यान में रखा गया था। इसने दो प्रकार की रिकमेंडेशंस दी थी, एक मैंडेटरी एक नॉन मैंडेटरी, मतलब जो लीगली जरूरी है, नॉन मैंडेटरी मतलब जो जरूरी नहीं है लेकिन अगर फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन होते हैं वो जरूरी होते हैं किसी भी जो भी कंपनी वगैरह कॉरपोरेट वगैरह है उसकी प्योरिटी वगैरह को लाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए। तो कौन कौन सी मैंडेटरी रिकमेंडेशंस दी थी इसने, तो देखो इसने बोला था मैंडेटरी रिकमेंडेशंस में कि जो मैंडेटरी रिकमेंडेशंस हैं वो अप्लाई होंगी सभी लिस्टेड कंपनीज पर और जिनकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उसमें ऑप्टिमम कम्बिनेशन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो होना जरूरी ही है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है, जिसमें एक फाइनेंशियल और एक और मतलब जो भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्हें फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज हो। रिम्यूनरेशन कमेटी सेटअप करनी चाहिए, जो बोर्ड बनाया गया है ना उसमें कम से कम मतलब साल में 4 मीटिंग तो होनी ही चाहिए, गैप होना चाहिए मैक्सिमम 4 महीने का, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 महीने से कम का ही गैप होना चाहिए। ठीक है, 2 मीटिंग जब ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो भी ऑपरेशनल प्लान्स, कैपिटल बजटरी, क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह को जब चेक किया जाता है। डायरेक्टर सेल नोट भी है मेंबर ऑफ मोर देन, और एक डायरेक्टर है वो 10 से ज़्यादा कमेटीज का मेंबर नहीं होना चाहिए, और है ना 5 कमेटीज से ज़्यादा का चेयरमैन वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब उस चेयरमैन के तरह एक्ट नहीं कर सकता। जो मैनेजमेंट डिस्कशन है, एनालिसिस रिपोर्ट है, वो कवर करती है इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेड्स को, रिस्क वगैरह को, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए शेयर होल्डर के साथ जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब जो उन्होंने पैसा वगैरह लगाया है। नॉन मैंडेटरी में आता है रोल ऑफ चेयरमैन, रिम्यूनरेशन कमेटी और बोर्ड। देखो यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि नॉन मैंडेटरी है, लेकिन ये उन कंपनीज के लिए हैं जो स्मॉल हैं, बड़ी नहीं है। शेयर होल्डर राइट्स फॉर रिसीविंग हाफ ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, पोस्टल बैलॉट कवरिंग क्रिटिकल मैटर्स वगैरह कनेक्ट करना कि भाई जो भी मेमोरेंडम वगैरह है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका सारा या कुछ पार्ट बेचने से रिलेटेड। ठीक है, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल, वेंचरिंग इनटू न्यू बिजनेस, ये सब जितनी भी है नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन है। जो रिकमेंडेशन है ये सभी लिस्टेड प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर अप्लाई होती है, उनके डायरेक्टर, मैनेजमेंट, इम्प्लॉय, प्रोफेशनल एसोसिएशन वगैरह पे अप्लाई होती हैं। ये जो कमेटी है ना रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो भी रूल्स वगैरह हैं रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह उनसे रिलेटेड पालन करना,
एक टाइप से मेन तो यही था कि जो हमारे शेयर होल्डर्स थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो जो रिकमेंडेशन है वो इंप्लीमेंट की गई थी क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट इन फेज मैनर, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। फिर दूसरी कमेटी थी हमारी सेबी ने बनाई थी, वो थी नरेश चंद्रा कमेटी 2002। ठीक है, कहता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी यूएसए में 2001 में। ठीक है, स्ट्रिंजेंट इनएक्टमेंट आए थे, जैसे सर्वेन ऑक्सले एक्ट आया था, ये मैंने अलग से वीडियो में समझाया, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नरेश चंद्रा कमेटी को 2002 में बनाया था एग्जामिन करने के लिए और रिकमेंड करने के लिए ड्रेस्टिक अमेंडमेंट्स, किसमें? लॉ में, पर्टेनिंग टू ऑडिटर क्लाइंट्स रिलेशनशिप, कि किस क्यों लिए गए थे ये अमेंडमेंट, ताकि जो ऑडिटर और जो क्लाइंट है उनके बीच में रिलेशनशिप वगैरह को बता सकें, एंड रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको बता सके। तो मेन रिकमेंडेशंस क्या थी इस कमेटी की? एक तो मिनिमम बोर्ड साइज ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज है ना, वो कितना होना चाहिए? तो कह रहा है उसके लिए ये देखा जाएगा कि पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व अगर 100 मिलियन या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 500 मिलियन या उससे ज़्यादा है, तो उसे 7 बोर्ड मतलब मेंबर रखने चाहिए बोर्ड में, एंड और कम से कम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए उनमें। कहता है कि ये इस पूरे पॉइंट में यही बताया कि बोर्ड का साइज कितना हो लिस्टेड कंपनीज में। तो हम पहले तो ये देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व 100 मिलियन और टर्नओवर 500 मिलियन से ज़्यादा हो तो उसे 7 मतलब मेंबर रखने पड़ेंगे जिनमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। नॉट लेस देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी एज वेल एज अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद ए पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 100 मिलियन अबोव और 500 मिलियन एंड अबोव शुड कंसीडर। देखो 50% से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी है ना लिस्ट किसी भी लिस्टेड कंपनीज में नहीं होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में। मतलब वही कंडीशन है कि 100 मिलियन से ज़्यादा फ्री रिजर्व वगैरह और 500 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर, तो उस केस में 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होने ही चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फॉर्म में। इन लाइन विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस जो कमिटी है उसने रिकमेंड किए थे एक लिस्ट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, मतलब जो भी डिसक्वालिफिकेशन है जो भी ऑडिट असेसमेंट है उससे रिलेटेड। तो देखो इसमें क्या क्या प्रोहिबिशन किया गया था, कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट, रिसीव करना लोन्स वगैरह गारंटी वगैरह, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है, सर्विस और कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर एंड अनड्यू डिपेंडेंस ऑन एन ऑडिट क्लाइंट। कुछ सर्विसेज थी जो प्रोवाइड नहीं की गई थी ऑडिट फर्म्स के द्वारा टू एन ऑडिट क्लाइंट, वो थी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिजाइन, एक्ट्रियल, बुकर, डीलर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आउटसोर्सिंग वैल्यूएशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर द क्लाइंट एटसेट्रा। जो ऑडिट पार्टनर थे उनमें कह रखा है एंड एटलीस्ट 50% ऑफ एंगेजमेंट टीम जो रिस्पॉन्सिबल थी ऑडिट के लिए लिस्टेड कंपनी में और कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल या फ्री रिजर्व 100 मिलियन से ज़्यादा और टर्नओवर 500 मिलियन से ज़्यादा है, उनको रोटेट किया जाता था 5 साल में, हर साल 5 साल मतलब बदलना, रोटेट करना। ठीक है, बिफोर एग्रीइंग टू द अपॉइंटेड सेक्शन 224 जो ऑडिट फर्म है ना उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ इंडिपेंडेंस सबमिट करना पड़ता था ऑडिट कमेटी के पास और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ऑफ द क्लाइंट कंपनी। ठीक है, जो सर्टिफिकेशन है कॉम्प्लायंस ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय सीईओ सीएफओ ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये एक इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो मेजर रिकमेंडेशंस का वो किससे रिलेटेड था, प्रोविजंस ऑफ द सर्वेंस ऑक्सले एक्ट ऑफ द यूएसए। ठीक है, फिर ये सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट कहता है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके लिए चाहिए कि वो एक सीईओ मतलब आइदर द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एमडी और सीएफओ मतलब होल टाइम फाइनेंस डायरेक्टर और अदर पर्सन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन। ये बहुत ज़रूरी होते हैं और ये क्यों होता है कि बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। तो देखो ये एक टाइप से एक सर्टिफिकेट ही होती है, मतलब जो बनानी जरूरी होती है, जो होनी जरूरी होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह देती है। तो देखो क्या दे रखा है, दे हैव रिव्यू द बैलेंस शीट, रिव्यू करते हैं पी एंड एल वगैरह एंड ऑल इट शेड्यूल्ड एंड नोट्स ऑन अकाउंट एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह को चेक करते हैं। जो ये स्टेटमेंट होती हैं प्रेजेंट करती है ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी का। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंटर कंट्रोल वगैरह भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क वगैरह इंटरनली, वो डिस्क्लोज करते हैं ऑडिटर को एज वेल एज ऑडिट कमेटी को जो भी सिग्निफिकेंट फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में। ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई भी मैटेरियल अनट्रू स्टेटमेंट वगैरह नहीं होती है, ऐसी कोई भी भूल गई हो स्टेटमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, मिसलीडिंग वगैरह नहीं होता। ये इंडिकेट करते हैं ऑडिटर को कि जो ऑडिट कमेटी है एंड इन द नोट्स टू अकाउंट वेदर और नोट दे रहा कि भाई कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस वगैरह तो नहीं हुआ इंटरनल कंट्रोल वगैरह में। तो इस सर्टिफिकेशन के थ्रू ये सारे इन्फॉर्मेशन नॉलेज वगैरह मिल जाती है जो जरूरी होती है किसी भी कमेटी के लिए मतलब कंपनी वगैरह के लिए। नारायण मूर्ति कमेटी आई थी 2003 में, ये इसके चेयरमैन थे एन आर नारायण मूर्ति जो अब इन्फोसिस के भी चेयरमैन है। जो कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ऐड की गई थी श्री नारायण मूर्ति के द्वारा
इवेल्युएट करने के लिए एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, मतलब आज के टाइम में जो यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेज है इनको चेक करने के लिए इसने 7 स्टैंडर्ड दिए थे। ये थे रिलेटिव इंपॉर्टेंस, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, वेरिफिलिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। भाई फेयरनेस हो, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहता हो उसके प्रति जो भी काम किया, ट्रांसपेरेंसी हो मतलब डिस्क्लोज हो सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी छुपाए ना, आसानी से इंप्लीमेंट कर पाए, वेरीफाइबल हो मतलब कोई भी गड़बड़ ना हो उसके बारे में पहले से वेरीफाई किया और इजिली इन्फोर्स किया जा सके ऑडिट कमेटी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर इसकी क्या क्या के मैंडेटरी रिकमेंडेशंस थी, इसने भी भाई मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी दो रिकमेंडेशन दी थी। तो मैंडेटरी में तो था स्ट्रेंथन करना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी की, एटलीस्ट वन मेंबर है ना उसे ना फाइनेंशियली नॉलेज होनी चाहिए एंड एटलीस्ट वन मेंबर है शुड हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी। मतलब ये बोल रखा है कि भाई हमें स्ट्रेंथन करना है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी को, यही बोल रखा है। एक मेंबर को तो फाइनेंशियली नॉलेज होनी चाहिए मतलब जो भी अपन फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज हो, और जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रोफिशिएंसी है अकाउंटिंग वगैरह उनसे रिलेटेड इन्फॉर्म, जैसे P&L बैलेंस शीट बनाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, तो उनसे रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इंप्रूविंग, भाई जो भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्वालिटी उसको इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। प्रोसीड फॉर IPO, IPO क्या होता है, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब कोई भी कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसे उठाने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में पब्लिक के सामने लॉन्च करती है तो कंपनीज को राइज करती है मनी IPO के थ्रू, तो उन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए ऑडिट कमेटी को। यूज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बाई मेजर कैटेगरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं वो सब। और रिकमेंडेशन दी थी कि भाई रिक्वायरिंग कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वो असेस करे, डिस्क्लोज करे बिजनेस के रिस्क वगैरह को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, और उसे ऑब्लिगेटरी होना चाहिए बोर्ड ऑफ कंपनी के लिए और जो भी कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह है ना बोर्ड का उसे उसे बताना चाहिए। जो पोजीशन है नॉमिनी डायरेक्टर्स की, नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट की ऑन द पब्लिक सेक्टर कंप्राइज सैलरी सिमिलरली इलेक्टेड टू द सैलरी सब्जेक्ट, मतलब ये बोल रखा है कि भाई जो नॉमिनी वगैरह होगा ना उसका वही मतलब स्टेटस होगा जैसे कि सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होंगी, लाइबिलिटी होंगी जैसे कि अदर डायरेक्टर्स की होती हैं। और इम्प्रूव डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू कंपनसेशन वगैरह, मतलब जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह को जो कंपनसेशन वगैरह दिया जाएगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए। नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस में क्या आती हैं, एक ऐसे रिजीम में मतलब जाना जहाँ पे जो कॉरपोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो क्वालिफाइड नहीं है, और कहता है कि ट्रेनिंग देना बोर्ड सिस्टम को, वैसे कंपलसरी नहीं लेकिन दे सकते हो, इससे आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी और जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। अब हमारी नेक्स्ट कमेटी आती है कोटक कमेटी, तो इसने कोटक कमेटी में क्या बताया, 2017 में आई थी जो सेबी की ये कमेटी थी ना उन कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये बनाई गई थी 2 जून 2017 को मिस्टर उदय कोटक की चेयरमैनशिप में, जो एग्जीक्यूटिव एंड वाइस चेयरमैन एंड MD कोटक महिंद्रा बैंक के, ठीक है। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे, गवर्नमेंट इंडस्ट्री से, स्टॉक एक्सचेंज से, एकेडमीज, प्रोक्सी एडवाइजर, प्रोफेशनल बॉडी, लॉयर्स वगैरह, इनके साथ मिलकर बनाई थी। इनका एम क्या था, इम्प्रूव करना जो स्टैंडर्ड है कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। जो कमेटी थी उसमें 25 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी सेबी को 4 महीने के अंतर्गत। जो कोटक कमेटी थी ना उसने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट किसको, सेबी को, 5 अक्टूबर 2017 को, जहाँ पे जो कमेटी थी उसने ना 80 रिकमेंडेशंस दी थी कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जो सम ऑफ द प्रपोजल फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अदर्स रेगुलेटर, मतलब कुछ अपोजिशन भी मतलब अपोज भी हुए थे। जो सेबी है उसने जितने भी शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स वगैरह थे बोर्ड को उनको मतलब लिया था इंश्योर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ताकि आसानी से लगाया जा सके। एज ए रिजल्ट जो मार्केट रेगुलेटर था ना उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया सभी रिकमेंडेशंस को, बल्कि उनमें से 40 रिकमेंडेशंस को तो बिना मॉडिफिकेशन के एक्सेप्ट किया, 15 को मॉडिफिकेशन के साथ, 18 को रिजेक्ट कर दिया, 8 को अदर एजेंसीज को रेफर कर दिया। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस थी कोटक महिंद्रा कमेटीज की, वो ये बताई गई हैं भाई। कंपोजिशन एंड रोल ऑफ बोर्ड से रिलेटेड उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, इंस्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर से दी, बोर्ड कमेटी से रिलेटेड अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, मॉनिटरिंग ग्रुप एंटिटीज एंड रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड मैटर्स से रिलेटेड अपनी रिकमेंडेशंस दी, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, फिर हमारा ये सारी रिकमेंडेशन इतनी ही दी थी इसने। तो देखो क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, मैक्सिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए बोर्ड में जो अप्लीकेबल हैं टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए, कब से, 1 अप्रैल 2019 से, और टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज से 1 अप्रैल 2020 से। कम एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए,
ये अप्लीकेबल उन कंपनीज के लिए जो मतलब टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है ना वो कितनी होनी चाहिए, मतलब 8 तक ही घटाई जा सकती है। जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं मोर देन 40% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग है ना, वो सेपरेट द रोल ऑफ चेयरमैन का, MD का रोल अलग हो, CEO का, ठीक है। मतलब फिर लास्ट में तो एक लाइन दे रखी कि किन कंपनीज पे अप्लीकेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। क्योरम, क्योरम ग्रुप मतलब जो बोर्ड मीटिंग का है मतलब बुलाना है, वो ना 1/3 होना चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ का, 1/3 होना चाहिए, और द 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, इनमें से जो भी ज़्यादा हो वो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनीज, उन्हें चाहिए कि वो लिस्ट आउट करें कंपिटेंसी एक्सपर्टाइज बिलीव करें दैट द जो इसके डायरेक्टर हैं पोजिस करेंगे एंड एक्चुअली पोजिस एंड डिस्क्लोज कंपिटेंसी, मतलब जो भी कंपिटेंसीज वगैरह है बोर्ड मेंबर की वो सब बताए। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये क्या थे, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना वो मेंबर नहीं होते प्रमोटर ग्रुप के, और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी ऑन द बोर्ड ऑफ विच एनी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कांट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब ये बोल दिया भाई कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का ऑन द बोर्ड, या कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटीज का, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता लिस्टेड एंटिटीज का। मतलब ये बाद में बताया गया, 1 अक्टूबर 2008 से अप्लीकेबल हुआ था। अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये परमिट नहीं की गई है इस इफेक्ट से। जो मैंडेटरी डायरेक्टर ऑफिसर्स इंश्योरेंस फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ 500 लिस्टेड एंटिटीज, मतलब यहाँ पे ना सिर्फ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको मैं लर्न करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम है। बोर्ड कमी से रिलेटेड भी इसने बहुत सारे रिकमेंडेशन वगैरह दिए थे कि रोमिनेशन एंड रिम्यूनेशन ऑफ कमेटी रिकॉर्ड करना चाहिए, पेमेंट वगैरह, ठीक है, मॉनिटरिंग ग्रुप से रिलेटेड भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, अगर आपको किसी भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन होगी तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी अलग से वीडियो में, जैसे आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमारी ये जो भी सेबी ने कमेटी वगैरह बनाई थी नेशनली, उनके बारे में पढ़ा है। आपको किसी भी कमेटी में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू।